ज्वालामुखी पहुंचने पर नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन दीपक चौहान का युवा कांग्रेस के द्वारा स्वागत किया गया। दीपक चौहान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वालामुखी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की समस्त पंचायतों के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ज्वालामुखी पहुंचने पर नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन दीप चौहान का युवा कांग्रेस के द्वारा स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वालामुखी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की समस्त पंचायतों के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का पूरा प्रयास करेंगे और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी। ज्वालामुखी पहुँचने पर नवनियुक्त ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन दीपक चौहान का युवा कांग्रेस के द्वारा स्वागत किया गया। दीपक चौहान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ज्वालामुखी के अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की समस्त पंचायतों के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास करेंगे और रूठे हुए कार्यकर्ताओं को भी बराबर मान सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा भाजपा द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने अपनी नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर का आभार व्यक्त किया। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता संजय रतन का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार पहले से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है और कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो लोग पीछे कांग्रेस पार्टी से रूठे हैं उनको मनाना और लोगों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाना, जो आजकल बीजेपी वाले थोड़ा सा गलत व दुष्प्रचार हो रहा है उसके बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। मैंने पिछले 15 सालों से देश की सेवा के बाद आर्मी से रिटायर हुआ हूं। माननीय प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर जी का धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ ही अपने पूर्व विधायक संजय रतन जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं जनता की सेवा कर सकूं। इसके काबिल का और संगठन को मजबूत करने के लिए मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जो लोग हमारे कुछ पीछे रूठ गए थे उनको मनाना और लोगों को अपनी कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराना, और जो ये बीजेपी में थोड़ा सा ये गलत पर दुष्प्रचार हो रहा है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि मैं आर्मी से रिटायर होने के बाद 15 साल के बाद, मैं इससे पहले मैं कांग्रेस में था और हमारा परिवार भी कांग्रेस में था,